मेरे प्रियो, यीशु के नाम से आपको मैं नमस्कार करता हूँ। एक नए महीने के पहले दिन में हम आए हैं। इस महीना में किस प्रकार चलेगा ऐसा प्रश्न है। पिछला महीना पूरा इस महामारी के चलते बहुत परेशानी में था। शहर बंदी, इस प्रकार की बहुत समस्या के चलते बाहर नहीं जा पाए और बिजनेस नहीं कर पाए। इस प्रकार सारे चरप से बंद है। आगे कैसे होगा, किस प्रकार का परिवर्तन होगा, ऐसे आप सोच रहे हैं ना। लगभग 45 दिन जो है पूरा हो गया है। आने वाला भविष्य मेरे लिए किस प्रकार रहेगा, मैं कैसे कमाऊंगा, इस सोच रहे हैं ना। निराश में है ना। आकाश और पृथ्वी का जो परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, वो कहता है इज़ेकियल 36 का 11 वचन में, प्रभु आपसे कहने के लिए चाहते हैं, बच्चों और मैं तुमको प्राचीन काल की नाई बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। प्रभु कहता है प्राचीन काल की समान। इस महामारी आने के पहले आप किस प्रकार थे, उससे अधिक आशीष को मैं दूंगा, प्रभु का ये वचन कहता है। फिर क्यों निराश करते हैं, आप किस प्रकार होगा ये सोच रहे ना। प्रभु का वाणी जैसे कहता वो पूरा होगा। प्राचीन काल की समान आशीष, मैंने इस महामारी के आने के पहले जैसे था उससे अधिक आशीष को मैं दूंगा, उससे अधिक भलाइयों को, आप सबको मैं भलाई करके आशीष करूंगा, प्रभु कहता है। देखिएगा, अय्यूब के जीवन में बहुत सारे परेशानी आई। परेशानी आने के बाद दो गुना आशीष को, सारे चीज को प्रभु लौटाया। प्रभु कहता है सारे भलाइयों को दो गुना मैं दूंगा। इस महीना में दो गुना आशीष को अपने जीवन में देखेंगे। पहले से दो गुना आशीष को देंगे, आमदनी को बढ़ाएंगे, बिजनेस को दो गुना प्रभु आपको बढ़ाएंगे। आपके काम में आप जो है उन्नति को प्रभु से देखेंगे और जो है सारे भलाइयों को देंगे, क्योंकि प्रभु जरूर वचन को दिया है। इसलिए क्रूस पर यीशु ने अपने आप को बलिदान के रूप में दिया। इसलिए प्रभु यीशु के वचन को विश्वास करके बोलिएगा, प्राचीन काल की भलाई से है, प्राचीन काल की आशीष से भी तू दोगुना आशीष को देंगे करके तू वचन दिया है प्रभु। अभी हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। इस प्रार्थना के उत्तर को आपके जीवन में आशीष के रूप में आप सब लोग जो है आज से आप देखेंगे। पिताजी, अपने बच्चों को प्रतिज्ञा के रूप में वचन को दिया है, धन्यवाद हो प्रभु जी। आपके बच्चे इस महामारी के चलते शहर बंदी हुई है प्रभु, दुख में परेशानी में जो आशीष को कोए हैं प्रभु जी, सारे बच्चों के लिए प्रभु जी आज और इस महीना में बड़े आशीष को तू इन लोग के देने जा रहा प्रभु। आने वाला दिन में प्रभु जी ये सारे लोग दोगुना आशीष को पाने जा रहे हैं प्रभु जी। तेरे वचन के अनुसार प्राचीन काल की भलाइयों को इनको देने जा रहा प्रभु जी। प्रभु जी पहले से ही अधिक इनके जीवन में, इनके कामों में, सारी बातों में, इनकी भलाइयों में, इसके परिवार में, सारी बातों को आशीष देके बढ़ाइए प्रभु। आशीषों को, भलाइयों को ये देखेंगे और दोगुना प्रतिपल को ये अपने जीवन में देखने जा रहे हैं प्रभु जी। आशीष और आनंद को दे प्रभु जी। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं प्रभु। आमेन आमेन।